रांची वोट करेगा और इस अपील को लेकर लगातार चुनाव आयोग और जिला प्रशासन जो है लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो चला रही है और यही वजह है कि समाज में जो स्पेशल लोग हैं उन्हें भी शामिल किया जा रहा है और उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, क्योंकि इन्हीं के पहल पर तमाम चीज़ें हो रही हैं। मैम, सबसे पहले पूरा परिचय। परिचय यही है कि हम जिला प्रशासन के स्वीप टीम की तरफ से है और जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें हमारे रांची का मतदान का प्रतिशत बहुत कम था, तो जिला प्रशासन का स्वीप टीम के माध्यम से हमारा ये उद्देश्य है कि इस बार जो हमारा थर्ड जेंडर है इनका जो सामान्य मतदाताओं के जितने भी हमारे हैं कैसे मतदान का प्रतिशत हमारा बढ़े रांची का, इसमें ये संदेश अपना दे रहे हैं सभी मतदाताओं को। तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी बंधु हैं, हमारा ये है संदेश आपके लिए कि जो भी हमारे थर्ड जेंडर ने आपको जो संदेश दिया है वोटिंग परसेंटेज को लेके, इसका प्रचार प्रसार अच्छे से करें आप। सर, कैसे ये दिमाग में आया कि थर्ड जेंडर जो है उन्हें शामिल करके ये काम करना? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके प्रश्न से ही थोड़ा सा आहत हूँ कि आपने कहा कि समाज के स्पेशल लोग, ये समाज के अलग या स्पेशल लोग नहीं है, ये हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। अगर हम अपने पूर्वाग्रहों के कारण अगर इनको अलग मान रहे हैं तो ये हमारी गलती है। इस पूरे के पूरे सम्मान संदेश का पर्पस ऐसा कुछ नहीं था कि हम कुछ बहुत बड़ा करना चाह रहे हैं, हम बस एक बहुत ही, वो कहते हैं ना, कि छोटी सी पहल करना चाह रहे हैं। जब चुनाव आता है तो चुनाव हमारे लोकतांत्रिक, जिसको कहते हैं ना कि चेतना के लिए, अगर हम कहते हैं कि अगर लोकतंत्र की कोई चेतना है तो वो उसका चुनाव होता है, क्योंकि हम बदले हुए समाज की परिकल्पना करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर हम बदलते हुए समाज की परिकल्पना करते हैं तो इनकी भागीदारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसी पहल में जिला प्रशासन की तरफ से हमारे जो जिला के जो हमारे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, सर हैं, हमारे जो उप विकास आयुक्त सर हैं, इन दोनों की निधा दिशा निर्देशन में हमने कहा कि नहीं, समाज का एक ऐसा वर्ग जिनको हम अभी तक ऐसे कहते हैं ना कि भूल गए हैं, तो मेरा मानना है कि इनकी भागीदारी सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इसी क्रम में हमने इनको आज बुला करके शामिल किया और चाहा कि जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़े। थैंक यू। आप लोग भी, अब आप लोगों की जो भूमिका है महत्वपूर्ण है, कैसे लोगों का आवेदन? हम लोग हर किसी को अवेयर करें, जैसे कि वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसजेंडर ऐसे होते हैं कि उसका वोटर आईडी भी नहीं बना हुआ है, तो हम चाहते हैं कि उनको भी हम लोग अवेयरनेस फैलाएं और वो भी बनाएं और वो भी मतदान दें। जैसे कि बहुत कोई होते हैं कि नहीं हमें नहीं करना है, तो हम चाहते हैं कि सबको हम लोग जागरूक करें। तो ये लोगों को अवेयर कर रहे हैं, अपने समाज के लोगों को कैसे अवेयर? हमारा समाज भी लोकतांत्रिक देश में आता है, तो हमारे समाज को भी पूर्ण रूप से मिला हुआ है अधिकार कि वो लोग वोट दे सकते हैं, जैसे कि स्त्री या पुरुष दे सकता है। तो हम लोग भी अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे और एक नया सरकार यहाँ पे बनाएंगे ताकि वो हमारा, हमारे लिए काम कर पाए। हम लोग भी ये समाज के, आप लोग जब अवेयरनेस प्रोग्राम में जाते हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है? लोगों का रिएक्शन बहुत लोगों का होता है, बट अब हम लोग नॉर्मल कर रहे हैं चीज़ों को, समाज और समाज में जो भी है, हम लोग कोई अलग नहीं है, डिफरेंट नहीं है, वी आर सेम। हमारे पास भी आँख है, नाक है, सब कुछ है, जैसे लोग मेल फीमेल होते हैं, बस अलग समझने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब एक ही जैसे हैं, हम लोग को मिल के काम करना चाहिए, इससे राज्य भी देश भी आगे बढ़ेगा। वोट देना कितना महत्वपूर्ण है और लोगों से क्या? वोट, एक वोट हमारा, एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, सभी का वोट बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग वोट देंगे तभी सरकार बनेगी और जब सरकार बनेगी तो ही सरकार हमारे लिए काम कर पाएगी। अगर हम लोग वोट अपना नहीं देते और कोई अलग गलत कोई जीत जाता है, गलत पार्टी या गलत वो, तो फिर हमारा ही लॉस है। इसलिए हम लोग सही उम्मीदवार को लेके सही वोट का अगर करते हैं तो ये हमारे राज्य के लिए अच्छा होगा। अपने समाज के लिए राज्य सरकार से क्या चाहते हैं? हम अपने राज्य सरकार से ये चाहते हैं कि जैसे कि सभी लोगों को दिया गया अधिकार, वैसे हमारे लिए भी अधिकार दिया जाए, हमें भी पढ़ने की आज़ादी, जॉब करने की आज़ादी और समाज में उठने बैठने की आज़ादी मिल पाए, जो जिस अधिकार से हम लोग बहुत ज़्यादा वंचित हैं। एक चीज़ बताइए कि सरकार से क्या चाहते हैं, अपने समाज को लेकर के क्या क्या कमियाँ हैं जिन्हें सरकार को पूरा करना? हम लोग सरकार से ये निवेदन है कि हम लोग को आगे बढ़ाए, जॉब हम लोग में नहीं लगता है, हम लोग कितना मेहनत करते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, रांची में कुछ भी करते हैं, समाज को कोई खड़ा नहीं होता है हम लोग के लिए।
बिहार में तो एक ट्रांसजेंडर तो दरोगा भी बन गई है, तो आप लोग जो रांची में है वो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं? हाँ, रांची में बहुत सब पढ़ाई लिखाई, कोई कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, कोई कोई बाधाएं करता, तो बाधाएं हम लोग नहीं करते, हम लोग पढ़ाई करते हैं। हम लोग हम ये जेवीएल कॉलेज, हाँ हम 11 तक किए हैं बस, हाँ बस यही छोड़ दिए। अब आपसे अंतिम सवाल, आपने ही लोगों को एक जगह जमा किया, समाज के लिए क्या मैसेज? समाज के लिए मैसेज तो जा रही है, विगत 4-5 सालों से जो काम कर रहे हैं तो बदलाव नज़र आ रहा है। आज ये लोग अगर फ्रंट में आए हैं तो उसी बदलाव का नतीजा है। और ये तो इंटर की हुई है लेकिन पीजी मास्टर्स भी की हुई है यहाँ पे, जो ट्रांसजेंडर लोग आई हैं। और हमारे प्रयास से हम राजीव वेन्स कॉलेज को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने एज ए ट्रांस एडमिशन भी लिया, लेकिन फिर भी बहुत सारी विडम्बनाएं, जैसा आपने अभी बोला कि दरोगा का एक हुआ है, CHO भी हुई है, बहुत सारे पोस्ट पे हुई है, लेकिन एज ए ट्रांस इनकी जो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए वो एज ए ट्रांस होनी चाहिए, तब तो फिर ये लोग समाज में आगे बढ़ेगी, वो नहीं मिल रहा है। क्योंकि इनको मिलना चाहिए 1% क्षेत्रीय आरक्षण। जब भी कोई बदलाव समाज में आता है वो तभी आता है जब वो सशक्त होता है वो समाज, तो इनको सशक्त करने के प्रति जब काम होगा तभी ये बदलाव आएगा। तो झारखंड सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती की है इन लोग के इसमें। इन लोग हेमंत सोरेन ने भी एक नौकरी, वही मैं बता रही हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उसके बावजूद भी एक गलती उनसे ये हुई है, उन्होंने इनको OBC में डाल दिया, जिसकी लड़ाई जो इन लोग के लिए बहुत खतरनाक हो गया। अब जो SC में है वो OBC में क्यों जाएगी? तो इनको एक 36% कम्युनिटी से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, हाँ तो इसलिए फिर तो वो OBC के ट्रांस कम्युनिटी के लिए वो नहीं ना आएगी फिर तो, अगर SC है तो SC में ही जाएगा। तो फिर खुल के जो आने का जो सिद्धांत है वो किस लिए किया गया? इसलिए किया गया कि ये लोग खुल के आए एज ए ट्रांस अपने आप को प्रेजेंट करें, तो वो चीज़ों को दबा रहा है। इसलिए आग्रह यही है हमारी सरकार से कि वो 1% क्षेत्रीय आरक्षण दे, सारी चीज़ें ठीक। आप देखेंगे कि राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर जो समाज के हमारे जो थर्ड जेंडर हैं उनकी अहम भूमिका है, और यही वजह है कि चुनाव आयोग भी इनसे सहारा लेकर जन जागरूकता अभियान और वोट की अपील कर रहा है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।